वनकम और वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल नीलम भानु प्रताप। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीलम भानु प्रताप पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैंने आज भी ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी डेली ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, वापस अल्टरनेटिव डेज पर मैंने ब्लॉग्स डाल दिए। और थैंक यू सो मच मेरे शॉर्ट्स को इतना प्यार देने के लिए। तो अभी जस्ट मैं ड्रेसिंग साफ कर रही थी, तो क्योंकि मैं ड्रेसिंग टेबल का जो है वो ट्यूर देने वाली हूँ। मतलब ट्यूर तो नहीं, मतलब व्यू। तो उसके लिए मैं अभी थोड़ा सा इसको अरेंज कर रही थी, क्योंकि रोज़ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। कुछ नए प्रोडक्ट्स मंगाए थे, वो भी रखे हैं अभी इसके अंदर। तो बस आने वाले वीडियो में, या तो इससे पहले आ जाएगा वो वीडियो, इससे पहले आ जाएगा, कल मैं वो शूट कर लूँगी। और अभी 5:30 हुए हैं, जब तक मैं अपने वार्डरोब पे थोड़ा बेंगल बॉक्स वगैरह वो सब सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे जो हमारा शिनचैन एकदम मस्त मज़े ले रहा है, और मम्मी यहाँ पे घूट रहे हैं खिचड़ा। सर्दियों का मौसम है तो खिचड़ा, घाट, मूली की सब्जी, पराठे और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अभी गाजर का हलवा वगैरह सब। तो बस ये देखिए, मेरे कोट पे इंक लग गई थी, पेन खुल गया था, अभी निकल भी नहीं रहा है। तो बस थोड़ा सा ये सब चीज़ें भी सेट कर लेते हैं। तो अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे डिनर की तैयारी करने किचन में। अभी मम्मी ऊपर है, क्योंकि वो खिचड़ा कूट रहे हैं। तो मम्मी आएंगे और वो बताएंगे क्या बनाना है, क्योंकि मैं इतना नहीं सोचती रोज़ रोज़ क्या सब्जी बनाएं क्या बनाएं। तो मम्मी जो बता देते हैं वो हम बना देते हैं। अभी करते हैं डिनर की तैयारी। तो यहाँ पर मम्मी बना रहे हैं अभी खिचड़ा। और बाबू देख रहे हैं टीवी, टीवी में खाना। कहीं देखा The next day. तो हेलो एवरीवन, ये नेक्स्ट डे का वीडियो। और अभी मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी, क्योंकि आज हम जा रहे हैं गांव, यानी काकड़ियावां दादू सो महाराज के यहाँ। तो सुबह से कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि फटाफट काम खत्म करना था। और अभी कितने बज गए, 10 बज गए होंगे, हाँ 10:10 हो चुके हैं अभी। और अभी सब नहा के एकदम रेडी हो चुके हैं। मम्मी शायद नीचे बाजरे का चूरमा बना रहे हैं। बस मैं भी एकदम रेडी हो चुकी हूँ और अभी चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे मैंने बताया था हमारे नीचे बन रहा है बाजरे का चूरमा, तो एकदम ये तो उसमें क्या है, अच्छा ये गाउन लेके जाना है, वो हमारे लिए है। और ये दादू सामान आज के प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ये हम हो चुके हैं एकदम, सब रेडी आ चुके हैं। बापू का भी नकुर काटे थे पछे बड़े। तो ये हमारे रास्ते के बीच में ये देखिए आप, डंपर जो है वो इतना बड़ा, ये पलटा है कि कहीं से निकाल के लेके गए, इसके टायर निकल गए। अरे ये कहीं लेके जा रहे हैं इसको, रख के कोई है ये मशीन, पलटा वलटा कुछ भी नहीं है ये। क्या हो गया इसका, टेढ़ा हो गया, इसका बैंड आ गया, इससे में बीच में से बैंड आ गया, घूम गया एकदम, इतना बड़ा है तो ये चढ़ गया जो अड़ने से वो हो गया। ये पेट्रोल पंप पहले इधर, तो ये इतना बड़ा कहाँ लेके जा रहा होगा, ये क्या वो है क्या, ये जाता है हाईवे पे, बाउलर है कोई। अच्छा तो पेट्रोल भराने रुका होगा ये, पेट्रोल पंप पे जा रहा था तो वही तो इसको जान गई थी, पीछे से एक तो मर गया इसका हिस्सा, दम तगड़ा लग गया, पीछे हिस्सा जड़ गया, अड़ने से वो घूम रहा नहीं है ना। तो आग चलो, और हम थोड़ा सा घर पे मेरे फिर से निकल रहे हैं। और अब यहाँ पे हमने जोतपोत ले ली, और यह मैं आई हूँ पहली बार हमारे खेत में, मतलब इस साइड भी जो हमारा खेत है इसमें मैं पहली बार आई हूँ आज। तो इसमें जो भी है ये रायडा, रायडा है,
सब एकदम पीला पीला हो रहा है, चारों तरफ पीछे सरसों है। तो मैंने चलो फोटोज क्लिक करवा लेते एकदम। मम्मी जैसे मेरे जो जीवन करने वाले एक एक लाइन में लग जाओ सब। गरम भाई वो है, इको मेरो वो है। लो बाजरा को चूरमा, बाजरा को चूरमा खाऊंगा, बाजरा को पच खावा तो चलो उठो। बस अभी हम निकल चुके हैं तो बस अभी वापस हम घर पे जा रहे हैं, गाँव आए हुए तो घर पे अब जाएंगे। ये प्रसाद कैसे जा रहे हो, जैसे वो लंच में खा रहे हो, छोड़ ही नहीं रहे। मम्मी ने इतना अच्छा बाजरे का चूरमा बनाया। अच्छा मिठाई नहीं खाई? नहीं मिठाई। और ये देखो पापा, हम सब ये जो है छड़ चुक रहे उठा रहे। ईशानगढ़ में सब मिल सकता है लेकिन ये चीजें नहीं मिलती है जोत वगैरह करने के लिए। तो पे 2 रुपए का एक अंडा है। तो हम मौके का फायदा उठा रहे हैं, हमने अपनी अपनी थैलियां भर ली है, पॉकेट में ले लिया, 2 रुपए का एक अंडा मिल रहा है फ्लिपकार्ट। हम थोड़ा बड़ा कट्टा या थैली लाना भूल गए वरना भर के ले जाते। तो मैं 1 रुपए में एक अंडा बेच दूंगा। आपने उठाया भी नहीं है तो आप क्यों बेचोगे? हम बेचेंगे, हम उठा रहे हैं। तो हम वापस घर जाते टाइम यहाँ पे एक हमारे मिलने वाले रहते हैं जो कि जाट हैं। तो इनसे जो है पुराना फैमिली जो है वो वाला रिश्ता है। तो हम उनके घर पे मिलने गए थे तो वो लोग देख के काफ़ी खुश हुए थे, भाभी सा और मम्मी वगैरह को सबको देख के उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था। रिया भी हम आ चुके हैं घर। और यहाँ पे अब सबसे मिलके दादू समाज के धोख देख के और अभी हम वापस जा रहे हैं किशनगढ़ की तरफ। मतलब लगभग हमको जो 4 बज गई थी पहुँचते पहुँचते, तो अभी बस वापस आ चुके हैं घर और 4 बज गई है। तो 4 बजते ही चाय भी बन चुकी है, चाय पीते हैं फिर मिलते हैं। तो बस अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मैंने ड्रेस चेंज कर ली है क्योंकि वो कॉटन की थी। तो कॉटन में मतलब वैसे तो मुझे कॉटन की ड्रेसेस ज़्यादा पसंद है चाइना मेटर से ज़्यादा, लेकिन थोड़ा उसमें घेर था ना तो ऐसे रेगुलर में मुझे वो जम नहीं रही थी। तो ये मैंने बस सॉफ्ट सा चाइना मेटर का सूट पहन लिया है। तो अभी नीचे चल के कर रहे हैं डिनर की, अब तैयारी करेंगे। और मुझे जो है पार्लर भी जाना है काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर इनका कोई अजमेर ही काम पड़ जाए तो फिर मैं मासी के यहीं चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे बाकी किसी और से जो है ना आईब्रोज बनाने में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लगता है, पता नहीं क्योंकि अभी आदत नहीं है ना। मतलब मैंने ऐसे बनवाया है बाकी से भी मतलब, पर इतना बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तभी मैं बनवाती हूँ। बाकी मुझे ऐसा लगता है मासी परफेक्ट बनाती है, मुझे उन पर पता नहीं क्यों अंधा विश्वास है कि मासी अच्छे ही बनाएगी तो वाली चीज़ें। लेकिन सोच रही हूँ न्यू ईयर से पहले बना लूँ, तो देखते हैं अगर अजमेर जाते हैं तो ठीक है, वरना यहीं किसी कोई पार्लर देखेंगे अच्छा था जो मेरे आईब्रोज बना सके अच्छे। तो क्योंकि मुझे ईशानगढ़ में ज़्यादा पार्लर्स के बारे में पता नहीं है, मुझे लगभग मैं इतने सालों से रह रही हूँ लेकिन मैं कभी किसी पार्लर में गई नहीं। मतलब एक जो फेमस है ना उनके नाम नाम मुझे पता है, और बाकी मैं कभी पर्सनली वहाँ पे मैंने विज़िट नहीं किया है। तो बस अभी देखते हैं नीचे डिनर में क्या बनाएंगे। और एकदम कहीं जा के आती हूँ तो मेरे को एकदम मस्त थकान सी होने लग जाती है, ऐसा लग रहा है बस सोती रहूँ। लेकिन अभी तो वैसे भी शाम का टाइम, इस टाइम सोते नहीं है, तो चलिए नीचे चलते कुछ टाइम पास कर लेते जब तक। तो हेलो एवरीवन, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। कल रात तो मैं इंडिया ना भूल गई थी, तो कल हम गांव गए थे समान आज की धूप वगैरह देने। वहाँ पे सबसे मिलके भी आया, देखा दिल से सबसे मिलके आए। और उस व्लॉग का एंड में मैं यही कर रही हूँ, आई होप सबको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।